आपने मुझे अपने घर से नौकरों के सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इज्जत से ले जाने आया हूं। वापस लेने आया हूं। क्यों? क्योंकि कल रात मैंने आपको एहसास दिलाया था, आप यहां मेरे कहने पे आए। नहीं, मैं हमेशा चाहता था मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं जानता हूं जो हुआ वो गलत हो और मैं बहुत गुस्सा हूं। गुस्सा नहीं था वो, गुस्सा नहीं था वो, शक था। आपने मुझ पे शक किया। गलत फहमी कैसे मान लो? कैसे मान लो कि गलत फहमी है? दोबारा ऐसे नहीं होगा। कैसे यकीन करो बासित, आपने मुझे अपने घर से नौकरों के सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इज्जत से ले जाने आया। और वो पेपर्स, पेपर्स बनवाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे रिश्ता ही नहीं खत्म करना चाहता। मैंने जिंदगी में जज्बात में आके बहुत फैसले किए हैं। मामा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अपनी जिंदगी में इतना तन्हा नहीं महसूस किया मैंने। हमेशा सोचता था तुम्हें फोन करूं, तुम्हें वापस बुलाऊं, लेकिन फिर हमेशा रुक जाता था। सोचता था अगर तुमने इनकार कर दिया तो। हमेशा की तरह आपने सब अपनी तरफ से सोच लिया। मुझे एक दफा बचपन में बाबा ने बताया था, जो रिश्ते सच्चे होते हैं ना कभी भी नहीं टूटते। आपको लगता था कि मैं लौट आऊंगी। जानता हूं साथ निभाना कभी एक शख्स के बस में नहीं होता। इसके लिए दो लोगों की रजा चाहिए होती है। आप मुझे लेने आए हैं या मेरी मर्जी पूछना है? मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से लेने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे एक मौका जरूर दोगी।